नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दांत निकाला, उंगली काटी और बांह तोड़ी, पोस्टमार्टम से सामने आई हमास चीफ याहया सिनवार की मौत की असली वजह। इसराइल की सेना ने 16 अक्टूबर को राफा में अपने सबसे बड़े दुश्मन याहया सिनवार को इत्तेफाक से मार गिराने में कामयाबी पाई। ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया की मौत के बाद याहया सिनवार को हमास का मुखिया बनाया गया था। पिछले एक साल से इसराइल की सेना सिनवार को ढूंढ रही थी। जब सिनवार मारा गया तो उसकी तस्वीरें और फोटो दुनिया भर में वायरल हो गई। अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। उंगली काटी और दांत निकाला सिनवार को मारने के बाद सेना उसके शव को इसराइल लेकर पहुंची, जिससे पहले एक उंगली काटकर सिनवार का डीएनए परीक्षण किया गया, दांत निकालकर उसका भी परीक्षण किया गया। दोनों जांच के बाद इस बात की पुष्टि की गई है कि मारा गया आतंकी सिनवार है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई कि उसकी मौत सिर में गोली लगने से हुई है। शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर चेन कुगेल ने मौत का ब्यौरा साझा किया है। उन्होंने बताया कि याहया सिनवार को सबसे पहले हाथ में छर्रे से गंभीर चोट लगी थी। इसराइल सेना ने हमले में सिनवार की बांह को तोड़ दिया था। राहत पाने की खातिर उसने अपनी बांह पर बिजली का तार बांधा, मगर कोई फायदा नहीं मिला। डॉक्टर ने आगे कहा कि उसकी मौत सिर पर गोली लगने की वजह से हुई है। डॉक्टर के मुताबिक हाथ में लगे छर्रे मिसाइल या टैंक के हो सकते हैं। डॉक्टर चेन कुगेल इसराइल के राष्ट्रीय फोरेंसिक संस्थान के निदेशक भी है। बुधवार को इसराइल की 828वीं ब्रिगेड के जवान राफा से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर तीन बंदूकधारी आतंकियों पर पड़ी। इसके बाद इजरायली सेना ने उनका पीछा किया। आतंकी एक घर से दूसरे घर भाग रहे थे। इजरायली सेना ने गोलीबारी की, जिसमें दो आतंकी जख्मी हो गए। सिनवार भागकर एक इमारत में घुस गया, वहीं उसके दो साथियों ने दूसरी इमारत में शरण ली। बाद में इजरायली सेना गोलीबारी में उस शख्स को मार गिराती है। अगले दिन गुरुवार को घटनास्थल का मुआवजा करने पर पता चलता है कि मारा गया शख्स इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन याहया सिनवार है। इत्तेफाक से हाथ लगा सिनवार याहया सिनवार इजरायली सेना के हत्थे इत्तेफाक से चढ़ गया। दरअसल इजरायली सेना अधिकारियों को सिनवार के वहां होने की कोई खुफिया जानकारी नहीं थी। सिनवार 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज, आपकी आवाज़।